रहीम जी, मेरा नाम शब्बीर अहमद है। मैं यहाँ इस मोहल्ले में गुंडा सिबड़ के जो ये मोहल्ला है अस्तान मोहल्ला, और हमारे पीछे जो आ रहा है ये बागपुरा है, तो ये लवईपुरा एरिया में आ जाता है। वार्ड जो इसका म्यूनसिपल वार्ड है वो लवईपुरा है। लगभग श्रीनगर जो बटमालू है उससे ये 8-10 किलोमीटर दूर है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो हमारी ये मांग है जिसके लिए हमने आप यहाँ पे जमा हो रहे हैं ये सभी मोहल्ले वाले, इस गांव में हाल ही में मैग्नमाइजेशन हो रही थी, पता नहीं किस वजह से कुछ लोग सामने आ गए जब इस सड़क को यहाँ पे, जो कि देरीना एक मांग है हमारी, 5-7 सालों से यहाँ से इन्होंने ड्रेनेज निकाला, वहाँ से भी ड्रेनेज निकाला, जो दोनों तरफ से जो पानी है वो यहाँ पे जमा किया। इस 5-6 सालों से ये रास्ता ऐसे ही पड़ा है, दिन ब दिन ख़राब ही होता जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया था इसके तहत, जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके अंडर ये हमारी ये सड़क भी आ गई थी, इसको भी मैग्नमाइजेशन हो रहा था। पता नहीं किस वजह से यहाँ के कुछ लोगों ने ड्रेनेज के नाम पर, जो कि अभी न तो सेंक्शन है न तो कुछ है। इस मोहल्ले की जो मुश्किलात है, मुश्किलात रोड की है। यहाँ अलाटमेंट हुआ था गुंडे सिबड़ को मैग्नमाइज का, लेकिन कुछ जो मफाद परस बंदे हैं वो हमारी जो काउंसलर साहिबा है जिसका नाम है फंसी, उसके पास गए और उससे कहा कि आप RNB को लिखिए कि हमें वहाँ मैग्नमाइज नहीं करना है, और उन्होंने वहाँ लिखा है कि ड्रेनेज देना है। लेकिन हमने उनको बोल रहे हैं कम से कम आप हमें अलाटमेंट दिखाएं, अगर वो नहीं है कम से कम हमें सेंक्शन दिखाएं, अगर वो भी नहीं है कम से कम एस्टिमेट दिखाइए। डिमांड कर रहे हैं कि आप ये रोड कीजिए, पब्लिक डिमांड पर आप आए यहाँ पर देखिए। ड्यूकम साहब से कह रहे हैं कि आप टीम भेजिए, ये देखिए क्या हाल है, अगर हम गलत हैं तो मत कीजिए। अगर